ये हैं सलोनी अरोड़ा, इंदौर के एक थाने में बैठी हुई। जब मीडियाकर्मी उनका फोटो लेने गए तो वह कैमरे की तरफ पीट करके खड़ी हो गई। मीडिया वालों के अनुरोध पर महिला पुलिसकर्मी ने जब उनसे मुड़ने के लिए कहा और मुंह से दुपट्टा हटाना चाहा तो गुर्राते हुए सलोनी कहने लगी, तुम जो कर रही हो ना एक एक को देख लेंगी, तुम सबकी नौकरी खा जाऊंगी। चल चल चलो बाहर आ जाओ, चलो बाहर आ जाओ। आपने बहुत अच्छा काम किया, मेरी जॉब खा लाना बहुत अच्छा काम होता है। मैंने आपका बिल्कुल जॉब नहीं खाया है। आपने नहीं खाया है तो कम से कम ये आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि ये आपकी जानकारी में कैसे भी आ जाए, रातों रात कुछ नहीं होता। मैंने हर कोशिश की, हर संभव कोशिश की। तो ठीक है ना, मैं आपके परिवार का पूरा सम्मान करती हूँ, आप भास्कर को रिजाइन कीजिए, अभी कीजिए आप। मेरे पास भी बहुत जिम्मेदारी है, मेरा लड़का कौन पालेगा, आप पालोगे? इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि हमारे वहां की मौतों से आपके मौतों की तो बात ही नहीं है ये। अच्छा चलिए ठीक है, आप एक काम कीजिए, मेरे पास तो नौकरी नहीं है, है ना, और आप भास्कर की नौकरी छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, आप मुझे मेरा मुंह बंद रखने के 5 करोड़ रुपए भिजवा दीजिए। ब्लैकमेलिंग है ही नहीं, ब्लैकमेलिंग है ही नहीं, ये तो मैं करूंगी, वो तो मेरी जब इच्छा होगी तब मैं करूंगी। देखो वो तो मेरी जब इच्छा होगी तब मैं करूंगी, क्योंकि तुमने मेरा करियर खराब किया है, मैं इतनी आसानी से तो तुमको छोड़ूंगी नहीं। मेरी जब इच्छा जो इच्छा होगी मैं करूंगी। ये है कि तुम उसकी जो एक जो तूफान की फ्रीक्वेंसी होती है ना वो कम करना तुम्हारे हाथ में है। तुम भास्कर छोड़ दोगे तो स्लो पॉइजन पे आ जाऊंगी, तुम भास्कर नहीं छोड़ोगे तो तुमको सीधे के सीधे साइनाइड ही मिलेगा। दूसरी बात, मैं तुमको आज एक बात बता दूं कल्पेश, अगर मैं ये किसी को भी बेचू ना ये तुम्हारे सारे सबूत, मुझे आराम से 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे और उसके बाद तुम जानो वो जाने, मेरी जिंदगी में तो बहुत सुकून है। इसलिए मेरे सामने ना ये इस टोन में और टशन में और उसमें बात करने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हें बर्बाद करने के लिए कई लोग मुझे ऑफर दे चुके हैं। खत्म नहीं हो पाएगा ना, कोई बात नहीं, इसको हटाओ, दूसरा ऑप्शन देती हूं मैं आपको। नहीं हटा सकते शुभा को, बिल्कुल रखिए आप, ठीक है, मेरी रिपोर्टिंग भी आपको शुभा को रखनी है, आप शुभा को रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, ठीक है, रिपोर्टिंग तो मेरी उसी को रहेगी, है ना, इतना बड़ा डिमोशन मैंने एक्सेप्ट कर लिया है बिना किसी पंचायत के, ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे क्या चाहिए, आप शुभा को रखो अपनी मेरी रिपोर्टिंग, आप शुभा को भी यहाँ बना के रखो और उसकी 5 लाख सैलरी कर दो, क्योंकि गिरीश अग्रवाल लेके आया है, बाकी जितने सारे झूठ सच है मैं जानती हूँ, कोई बात नहीं। मुझे क्या चाहिए, फिल्म के रिव्यू मुझे मेरे नाम से चाहिए, और उसके अलावा मुझे संडे जैकेट की स्टोरी करूंगी मैं, डेली सप्लीमेंट के लिए मैं कोई काम ही नहीं करूंगी, नवरंग के लिए मैं कोई काम ही नहीं करूंगी, डेली सप्लीमेंट में जब मुझे कुछ देना होगा तब मैं दूंगी। हेलो, आवाज आ रही है? इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं फिल्म इंडस्ट्री में, आपको पता है ना कि एक फिल्म में ये लोग करोड़ों का मुनाफा कमाते हैं, ठीक है, भले ही पिक्चर फ्लॉप हो। आज मैं अगर किसी के साथ भी रिलेशनशिप में हो जाती हूँ और ना उसे मुझसे शादी करनी है ना मुझे उससे शादी करनी है, एक हमारा बिल्कुल आपस में कंफर्ट का रिलेशनशिप होता है, ठीक है, तो क्या वो मेरे लिए वो सब नहीं करेगा जो मैं चाहती हूँ? पैसे की बात है ना, पैसे की बात है, तो आप एक बार लेट मी कंप्लीट, पूरी बात तो सुनो। अगर ये रिलेशनशिप मुझे ऐसे ही रखने होते तो मेरे लिए एक घर खरीद के, एक गाड़ी खरीद के, एक बैंक बैलेंस देने वाले बंदे की कोई कमी नहीं है मुझे मेरी लाइफ में। टिल डेट आई एम 43, बट आई एम इनफ कैपेबल टू अर्न ऑल दिस टिल डेट। मुझ में वो चार्म भी है, मुझ में वो कुवत भी है, और मुझ में वो भी है कि अगर मैं इमोशनली किसी के साथ अटैच होंगी तो वो मेरे लिए ये सब जरूर करेगा। मेरी लाइफ में बिल्कुल क्लियर है कि मैं आपको ये बोल रही हूँ कि एक घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस और उसके बाद में मुझे रानियों की तरह रखे,
कि ठीक है रिलेशनशिप हमारा जो भी है, मुझे लीगलिटी है ये वो कुछ नहीं चाहिए, है ना, ना ना किसी और को चाहिए, ऐसे रिलेशनशिप देने के लिए बॉम्बे में लोगों की कमी नहीं है। और ये तो करोड़पतियों का गढ़ है जिस इंडस्ट्री में मैं काम। मैं किसी भी भाषा का किसी भी तरह से मोहताज नहीं हूं, मैं सिर्फ पहुंचना चाहता हूं लोगों तक। जब जो मेरे दिल में आता है मैं उस भाषा में कोशिश करता हूं कि पहुंचूं। अगर मैं बहुत गरिमामयी भाषा बोल के कोई पाखंड स्थापित करना चाहता हूं तो दुनिया में ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही धक्का पहुंचने वाली बात है। अगर मैं खुले मन से अपने दिल से, जैसे कि आपने देखा होगा मुझे पता भी नहीं है कि मैं किस भाषा में बोल रहा हूं, मुझे पता भी नहीं है कि मैं कब किस भाषा में चला गया, मुझे पता नहीं है। और इसीलिए मुझे बाद में बहुत सारे लोग टोकते हैं, बोलते हैं और कहते हैं कि आप बहुत गलत करते हैं। राहुल जी के प्रति पूरा श्रद्धा है, वो कहते हैं आप बहुत गलत करते हैं, आपकी भाषा कौन सी है। मैं कहता हूं मेरी भाषा भारतीय है, मेरी कोई भाषा नहीं है। और मेरा अखबार जो हिंदी में निकलता है उसकी भाषा में भी बहुत बहुत स्पष्ट है कि भाषा वो जो लोगों तक पहुंचे। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि ये भाषा अपाहिज हो गई है, ये भाषा खराब हो गई है। मैं मानता हूं पत्रकारिता अपाहिज नहीं होनी चाहिए, पत्रकारिता बुलंद होनी चाहिए, वो स्वस्थ होनी चाहिए, आपका विचार स्वस्थ होना चाहिए। किसी भी तरह की भाषा का गुलाम मैं नहीं हूं। आपको एक खाली छोटा सा उदाहरण देता हूं इसका कि मेरे हर साल में एक दो पीस, कभी शायद चार पीस मेरे कॉलम है असंभव के विरुद्ध, जो मैं बहुत दिल से लिखता हूं, वहीं लाइव लिखता हूं, रात को 12 बजे तक लिखता रहता हूं, वो उसी समय छपता है, वो पूरा पूरा उर्दू में भी होता है, पूरा उर्दू में, पूरा ही उर्दू में होता है। और मुझे बहुत शुरू शुरू में लोगों ने नाराजगी जाहिर की, अरे ये क्या कर दिया आपने, ये क्या हो गया आपको, नया नया उर्दू का शौक चढ़ा। भाषा के कहां गुलाम बनना है आपको, सवाल ही नहीं है। आप अपनी बात रखना जानिए। कोई साथी आकर अगर कहता है, मैं बहुत सारे अंग्रेजी के इस्तेमाल करता हूं फ्रेजेस, मैं बहुत सारे हिंदी के फ्रेजेस इस्तेमाल करता हूं, मुझे संस्कृत का बहुत बहुत आनंद आता है क्योंकि वो दुनिया की सर्वाधिक साइंटिफिक लैंग्वेज है। संस्कृत में जानता नहीं हूं, उर्दू में जानता नहीं हूं, अंग्रेजी में जानता नहीं हूं, हिंदी भी पूरी नहीं जानता। और जो लोग दावा करते हैं कि वो सब ग्रेट हिंदी जानते हैं, वो जानते होंगे। मैं तो आपसे तादाद में स्थापित करना चाहता हूं, वो दिल से होता है। और दिल में अगर आपने देखा होगा एक भी कागज मेरे पास नहीं है, एक भी शब्द मेरे सामने लिखा हुआ नहीं है, एक भी चीज मेरी जिंदगी में मैं याद करके पढ़ के बोल के नहीं आता हूं। मेरे दिल में जो होता है इसलिए मैं दिल से संवाद बनाता हूं और यही मैं जर्नलिज्म के लिए चाहता हूं। ये मेरा निजी सोच है, बस इसके धन्यवाद आपने मुझे सुना। मैंने पहले ही क्षमा चाही थी कि मैं अजीब बात करता हूं, डिसजॉइंटेड रहता हूं, इसके लिए मैंने माफी मांग ली थी आपसे। और मैं एक साधारण नागरिक हूं, मैं इतना बड़ा संपादक नहीं हूं कि मेरे पास बहुत सारी चीजों का बहुत ज्ञान हो। धन्यवाद।